नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 22 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो आइए रुक करते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत फिफना विधानसभा के बरवा गांव में नुक्कड़ सभा को संबोधित करते कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी के भाई दिनेश तिवारी ने भाजपा सरकार में कोरोना महामारी से लेकर राम मंदिर तथा गरीबों के घर में राशन देने के बात कहते हुए क्षेत्र में विकास हुए एक एक कार्यों को गिनाया। साथ ही बताया कि इस सरकार में अपराधियों के लिए सिर्फ हवालात हैं। अपराधी या तो उत्तर प्रदेश के बाहर होगा और नहीं तो जेल में होगा। वहीं प्रजापति समाज के लोगों ने भाजपा का समर्थन किया तो दिनेश तिवारी ने प्रजापति समाज के पदाधिकारियों को अंग वस्त्रों से सम्मानित किए। साथ ही बोले कि भाजपा सरकार फिर प्रदेश में आ रही है, सरकार बनने के बाद आप लोगों का खास ख्याल रखा जाएगा तथा अपने भाई उपेंद्र तिवारी के लिए वोट की अपील की। इस मौके पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि बरवा जितेंद्र प्रजापति, शिव मुनि प्रजापति, प्रजापति समाज के जिलाध्यक्ष बलराम प्रजापति, जिला उपाध्यक्ष महावीर प्रजापति, कोषाध्यक्ष आदि लोग उपस्थित रहे। बलिया उत्तर प्रदेश से न्यूज 22 इंडिया के लिए जिला ब्यूरो चीफ आनंद मोहन मिश्रा की रिपोर्ट। भाजपा प्रत्याशी, भाजपा एवं निषाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी केतकी सिंह के समर्थन में आप आए हैं। आपकी व्यापार मंडल के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं, आप इसके विषय में बताएं कि देश की सबसे बड़ी व्यापारियों की जो संस्था है अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, उसने उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से समर्थन दिया है। हम ये मानते हैं कि व्यापारियों की पार्टी अगर देश में कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जहां व्यापारी का सम्मान, व्यापारी की सुरक्षा और उसकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटों पर व्यापारी समाज जहां पर भी है, जिस भी बाज़ार में काम कर रहा है, वो एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने का काम करे, क्योंकि ये चुनाव एक बहुत बड़े अभियान की ओर ले जाएगा। हिंदुस्तान को विश्व का गुरु अगर हम बनाना चाहते हैं, पूरे विश्व का सिरमौर बनाना चाहते हैं, तो हमें उत्तर प्रदेश को आगे रखना पड़ेगा। और अगर उत्तर प्रदेश को आगे रखना है तो हमें फिर से योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी की सरपरस्ती में यहाँ पर सरकार चाहिए। इसलिए व्यापारी समाज ने ठाना है फिर से भाजपा की सरकार बनाना है, और जिस ओर व्यापारी उसका पलड़ा भारी, ये दो संकल्प लेकर व्यापारी समाज आगे बढ़ रहा है और विश्वास लेकर के चल रहा है कि जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, चाहे वो भारत सरकार से हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का फैलता हुआ मगर जाल, व्यापारी को शिक्षक दिवस, मजदूर दिवस, बाल दिवस मिले, व्यापारी दिवस मिले, व्यापारियों को वरिष्ठ पेंशन योजना मिले, या GST की जो भी कमियां हैं उन सबको हम ठीक कराएं, उसके लिए हमें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में और ताकत देनी होगी, ताकि हम केंद्र में अपनी बात को रख करके व्यापारियों का और कल्याण करें और देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाएं। ये संकल्प लेकर व्यापारी समाज आज मनियर में आया है और केतकी सिंह जी को भारी बहुमत के साथ यहाँ की जनता और व्यापारी समाज विजयी बनाए, ये अपील कर रहा है। चल, अब तक के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 22 इंडिया। खबर भी, असर भी, और हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें।